नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टर सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ओमकार मिश्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम इन सिक्स्थ ग्रेड थर्ड क्लास सिक्स एंड दैट टाइटल टेक्स्टोरी। इसके पहले हमने पढ़ाई करी और ऐसे समय की बात जिसको पाषाण काल के नाम से जानते हैं, यानी कि जिधर देखिए पत्थर ही पत्थर दिखाई दे। We have no written evidence about the at particular period, but supervising something, observing some idea with the frame an idea about that period. आज से 5 लाख वर्ष पहले से मानव सभ्यता धरती पर है। बहुत सा ऐसा काल है जिसके बारे में कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं, क्योंकि लिखने का भी काम जो था इसकी भी तो खोज बाद में हुई। आज मानो तो जंगलों में रहने वाला एक जानवर से लिखा था, जानवर ही था, और इसलिए इधर देखिए पत्थर ही पत्थर था। दूसरी चीजें भी थी लेकिन लोगों को कोई आइडिया नहीं। आदमी गुफाओं में रहता था, जानवरों की खाल को लपेटता था, भोजन और शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे रहता था। न कोई शेल्टर था, न कोई ऑक्यूपेशन था, न कोई मीन्स साधन था। पत्थरों के सहारे वह जानवरों का शिकार करता था, कच्चा उनका मांस खाता था। और इसीलिए इतिहास को समझने के लिए पुराने काल को पाषाण काल यानी कि स्टोन एज का नाम दिया। अब इस स्टोन एज की बात करें तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया है ताकि हम आसानी से समझ सकें। फर्स्ट दैट इज लोअर पैलियोलिथिक एज एंड दिस एज इज आल्सो नोन एज आइस एज, आइस एज एज देयर वर देयर वाज नथिंग बट आइस ओनली, एक्सट्रीम कोल्ड एवरीवेयर आइस, एंड दैट्स व्हाई द एज इज नोन एज आइस एज। चारों तरफ बर्फी बर्फ है, ऐसे में जीवन तो जीना है। आदिमानव पत्थरों के सहारे शिकार करता था और इस काल में जो भी एविडेंस मिले हैं, जो भी वेपन टूल्स मिले हैं, 2000 मेटा स्टोन वो पत्थरों के बने हुए हैं। ज़्यादातर इसमें हैंड एक्सेस जिसको चॉपर्स कहते हैं वो मिली है। यह माना जाता है कि लोग उस समय इन्हीं हैंड एक्सेस के द्वारा लकड़ियों को काटते होंगे या जानवरों के ऊपर आक्रमण भी करते होंगे। इसके जो भी साक्ष्य जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग जो है खुदाई करता है, साक्ष्यों को एविडेंसों को सोर्सों को प्राप्त करता है और उसके आधार पर किसी बीते हुए पीरियड के बारे में कोई आइडिया फ्रेम करता है। तो इसके साक्ष्य आपको मिलेंगे सोन, पंजाब के सोन, सोन नदी बहती है उसके किनारे। दूसरा ही हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड मीडियम पैलियोलिथिक एज। थोड़ी सी तरक्की हुई, पत्थरों का ही प्रयोग अभी भी चल रहा है लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन है। अब ये आदमी शरीर को ढकने लगा था चमड़ों की खाल से, अब उनको सीने के लिए पत्थरों के नीडल बन गए, स्क्रैपर्स बन गए, गड्ढे करने के लिए बोरर्स बन गए। इसके भी साक्ष्य आपको नर्मदा नदी के किनारे पर मिलते हैं।
इसके बाद अगला थोड़ा और तरक्की हुई, पत्थरों के ही नए नए और औजार बने, अपर पैलियोलिथिक के जाया जिसमें कि ब्लेड्स भी बनने लगे, धारीदार हथियार भी बनने लगे। एंड आवर नेक्स्ट मोमेंट विद द हेडिंग पैलियोलिथिक कल्चर फाइंड्स के बारे में हमने जान लिया, इसके बारे में जान लिया। मैं बताऊं कि अपर पैलियोलिथिक के आते आते भी बर्फ थी, बर्फ पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई, एटमॉस्फेयर वार्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ कमी आई थी। नाउ लेट अस लुक एट पैलियोलिथिक कल्चर। द नॉलेज अबाउट द कल्चर ऑफ पैलियोलिथिक मैन आर बेस्ड मेनली ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब उस समय के लोगों की क्या संस्कृति थी, कैसे अपना जीवन जीते थे, ये सारी बातें हम तय करते हैं उस समय के मिलने वाले साक्ष्यों के ऊपर, एविडेंस के ऊपर। दिस इंक्लूड्स स्केलेटल रिमेन्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स, थिंग्स मेड बाय द प्रिमेटिव मैन, हिज पेंटिंग ऑन रॉक सैंड के ऊपर। अब उसके बारे में, उस काल के सांस्कृतिक रुझान के बारे में हम जो कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं, एविडेंस, वट एवर एविडेंस वी गेट इन फ्रेम द पीरियड, क्या सांस्कृतिक उनकी रुझान थी, इसका प्रमाण हमें गुफाओं के ऊपर जो चित्रकारी की गई रहती है उससे मिलता है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर के आपने देखा होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा, खुदाई हुई, और देखने के बाद हम इतिहासकार इस बात को तय कर लेते हैं कि अपने काल में यहाँ की संस्कृति कितनी उन्नत रही हो। हम तो आदिमानव के बारे में पढ़ रहे हैं, पाषाण काल के बारे में, आज तो पत्थरों के टूट से बंद नहीं बन गया, आज का तो मिसाइल का जुगा चुका है, लेकिन पहले का मानव जिसकी दुनिया पत्थरों तक किसी भी थी, उसकी सांस्कृतिक रुझान आज की तुलना में तो इतनी संवर्धित नहीं रही होगी। द व्यूज अबाउट द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव मैन कैन बी कन्फाइंड बाई ऑब्जर्विंग द ट्राइबल ग्रुप ऑफ द टोर्स इन द नीलगिरी हिल्स एंड ऑम्स एंड जारवाज इन द अंडमान आइलैंड। आज भी इन्हीं के सरीखे, उस समय के जैसे लोग थे, इन्हीं के सरीखे जनजातियाँ रहती हैं, अंडमान निकोबार आइसलैंड पर देखने को मिलेंगी आपको, नीलगिरी की पहाड़ियों में दिखाई देगी जो जनजातियाँ रहती हैं। ये आज भी पहले पैलियोलिथिक कल्चर की एक झलक हमारे सामने प्रस्तुत करती है। देखे लोग कैसे रहते होंगे, बैंड, फैमिली एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स टू लिव इन ग्रुप्स फॉर द सेक ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, सच स्मॉल ग्रुप्स वेयर कॉल्ड बैंड। शुरू से ही आदमी अपने को सुरक्षित रखने के लिए नए नए तरीके अपनाता है, उन तरीकों में एक तरीका होता है कि अकेले न रह करके समूह में रहना और ज़्यादा लोगों के साथ, और हमारी आदिमानव ने समूह में रहना सीखा केवल अपनी सुरक्षा के लिए, और अपनी सुरक्षा के लिए रहने वाले दल को बैंड्स कहा गया। बैंड कुड हैव अप टू 60-80 मेंबर, यानी कि एक दल में 60 से लेकर 80 तक लोग होते थे। दीज मेंबर्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देमसेल्फ, ये आपस में ही कार्य का बंटवारा कर लेते थे और काम को बांट करके काम करते थे। दीज ग्रुप ट्राई टू टैकल ए होस्टाइल एनवायरनमेंट, इन्होंने एक मित्रतापूर्ण वातावरण में जो है कार्य करने की आदत डाली। दे हंटेड एनिमल्स
both big and small, gathered a variety of plant food, constructed shelters for themselves, made the used tools and painted pictures. ये समूह के लोग जब समूह में रहना सीखे तो सभी अलग अलग सदस्यों में अलग अलग गुण भी होते थे, कुछ विशेषताएँ होती और इनके बल पर इन्होंने जानवरों के शिकार करने की व्यवस्था की, उसके लिए वेपन्स बनाए, चाहे छोटे जानवर हों या बड़े जानवर हों, रहने के लिए शेल्टर चाहिए उसके, ये लोग मिलजुल करके अपने निवास स्थान भी बनाए, यहाँ तक कि दीवारों पर चित्रकारी भी की। मैन एंड वुमेन में हैव डन ऑल द अदर टास्क टुगेदर, और ये माना जाता है कि और भी जो कार्य हैं जो कि आवश्यक होते हैं इनको मर्द औरतों ने मिल करके किया होगा। इट इज पॉसिबल दैट सम टास्क वेयर डन बाय मेन एलोन सच एज हंटिंग एंड सम बाय वुमेन ओनली सच एज टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। जैसा कि हमारे समाज में भी कार्य का बंटवारा हो जाता है, बिना कहे मर्द जो होते हैं वो जीविका रोजी रोटी को अर्जित करने के का काम करते हैं जबकि औरतें घर का काम करती हैं। उसी तरीके से इस काल के बारे में भी मान लिया जाता है कि कुछ कार्य ऐसे होंगे जैसे जंगलों में जाकर के शिकार करना है, इन काम को मर्द लोग करते होंगे जबकि बच्चों की अगर देख रेख करनी है तो घर में औरतें करती हैं। इनके अंदर इनके समाज में कैसे कैसे तौर तरीके थे, कैसा प्रचलन था, कैसा विश्वास था, इसके बारे में देखें। देयर इज नथिंग नोन टू अस अबाउट द कस्टम्स एंड बिलीफ ऑफ दोज टाइम, तो उनके तौर तरीके के बारे में, उनके विश्वास के बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। देयर इज नॉट मच डाटा अवेलेबल विच कुड पॉइंट टू देयर रिलीजियस बिलीफ, ऐसा कोई विवरण हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं जिससे कि हम जाने कि धार्मिक रुझान क्या थी। सिंस द फियर द फॉल ऑफ नेचर पर हैव द वर्शिप नेचर, क्योंकि आदिमानव जो है बिजली की चमक से डरता है, बादलों की गड़गड़ाहट से डरता था, प्राकृतिक प्रकोप से डरता था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि आजकल के लोग प्रकृति की ही पूजा करते होंगे, प्रकृति को ही देवता मानते हैं। बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन अवेट फर्दर डिस्कवरी रिसर्च एंड एक्सकेवेशन बाई आर्कियोलॉजी, लेकिन यह जानकारी भी एक अनुमान है, यह राय भी अनुमान के आधार पर कर रहे हैं। अगर सही सही जानकारी चाहिए कि उस समय की धार्मिक मान्यताएं क्या थी तो इसके लिए पुनः नए पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा नए अनुसंधान करने पड़ेगी। प्रीहिस्टोरिक आर्ट और प्रीहिस्टोरिक यहाँ के बारे में वी हैव नो रिटन डॉक्यूमेंट, उस समय कला कैसा रहा हो, ये सारी विचार जो बन रहे हैं वो सारे साक्ष्यों के आधार पर बन रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जिन्हें कहते हैं। पुरातत्व विभाग के लोग अनेकों तरीकों से जो है तो खुदाई करके या और दूसरी चीज़ों को देख करके, उस काल के निर्माण को देख करके इस बात यह राय कायम करते हैं कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। तो जब आर्ट की बात देखें, ए लॉट ऑफ रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स वेयर पीपल ऑफ दिस रिसाइडिंग, जैसा कि आप जानते हैं पहले का मानव जो था गुफाओं में रहता था, यही इनका आवास था, निवास स्थल था। इन गुफाओं पर अनेकों चित्रकारियां दिखाई देती हैं, इससे लगता है कि उस काल के भी लोग चित्रकारी के शौकीन रहे होंगे। दीज पेंटिंग्स एंड इनग्रेविंग्स एग्जिबिट एनिमल्स बर्ड्स ह्यूमन फिगर्स हंटिंग सीन्स एंड जियोमेट्रिक डिजाइन एक्सेट, कहीं दीवार पर आपको शिकार करते हुए
लोगों को दिखाया गया है, तो कहीं जानवरों के चित्र हैं, कहीं पक्षियों के चित्र हैं, यानी कि सारी चीजें जो हैं सो उस समय की कला के बारे में इंगित करती हैं कि उस समय के लोग कला प्रेमी थे, जो कि जो कुछ वो देखते थे प्रकृति में उसका चित्रांकन या खुदाई करके उसका स्वरूप देते थे। एंड ऑफ नेक्स्ट पैलियोलिथिक एज इन द डेटा, आज हमने जंगलों में देखा, गुफाओं में देखा, अब पठारी भागों में का जीवन कैसा रहा होगा पाषाण काल में, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से आएंगे। आप सेल्फ स्टडी लें घर पर, कोई चीज़ अगर आपको कंफ्यूज करती है तो हमसे पूछें, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।